जब भगवान को कृपा करनी होती है तो सब साधन बनते चले जाते हैं। जब समय आएगा ना तो सारे साधन ऐसे बनेंगे जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, और जब आपके भाग्य में नहीं होगा तो ऐसे साधन बनेंगे कि आप उस मंजिल से दूर रहो। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे चेला की पहचान। जब भगवान को कृपा करनी होती है तो सब साधन बनते चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये जितने भी लोग यहां पर बैठे, कई लोग कहते हैं हम तो बहुत पाना चाहते हैं पर हमें मिलता नहीं कुछ, कोई चीज, उद्देश्य, कोई लक्ष्य मिलता नहीं। एक बात बताएं, जब समय आएगा ना तो सारे साधन ऐसे बनेंगे जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, और जब आपके भाग्य में नहीं होगा तो ऐसे साधन बनेंगे कि आप उस मंजिल से दूर रहो। इसलिए तुम तो सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी का भगवान पे छोड़ दो, वो ही सारे साधन बनाता चला जाएगा। उदाहरण है इसका, अब ध्रुव जी को नहीं पता था कि गुरुजी चाहिए गोविंद से मिलने से पहले, लेकिन भगवान स्वयं, भगवान ने नारद जी को भेज दिया, नारद जी को भेजा। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, छोटा सा बालक, संस्कार संपन्न है, साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग, एक अभी मैं प्रियाकांजू के आश्रम मंदिर में था, एक बच्चा, एक परिवार आया और बच्चा था ढाई तीन साल का। उसके पिता ने तो फिर भी घोंटू टेक के सर टिका के प्रणाम किया, उस बच्चे ने साष्टांग दंडवत किया। ढाई साल के बच्चे ने साष्टांग दंडवत किया। अब हम पिताजी को भी देख रहे थे, हम उस बच्चे को भी देख रहे थे, मैंने इतना अंतर क्या है। तो उसकी दादी ने कहा, महाराज जब ये पेट में था ना तो इसने 9 महीने पूरी भागवत सुनी है आपकी। और जब भी टीवी पे या यूट्यूब पे आपको देखता है तो उसे दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलता है। क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलना पड़ेगा? ये किसका सर है? संस्कारों का सर, यही संस्कार है। साष्टांग दंडवत किया, तो साष्टांग दंडवत जब किया, ध्रुव जी महाराज से पूछा, नारद जी ने, कहां जा रहे हैं? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। बोले हां। बहुत छोटे से हो? बोले अब चाहे जो भी हो, अब तो भगवान से मिलने की ललक लग गई। बोले चलो अच्छी बात, कौन सा मंत्र जाप करोगे? बोले वो तो नहीं पता, तुम्हारे कोई गुरु हैं? बोले नहीं। बोले बिना गुरु के तो गोविंद नहीं मिलते, जब बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते तो तुम्हें गोविंद कैसे मिलेंगे, तुम्हारे तो कोई गुरु ही नहीं। यहां पर किस किस ने दीक्षा ले रखी है हमसे? जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कहां गए हो? हमने कितनी बार कहा माथे पे तिलक लगा, लेकिन तिलक कोई भी स्टाइल का नहीं, जो तिलक गुरु लगाए वही तिलक लगाओ, कंठी पहनो। और जिन्होंने अभी तक किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली वो हाथ उठाओ। जियो मेरे लाल। बोले अभी तो गुरुओं की परीक्षा चल रही है महाराज, जो गुरु हमारी परीक्षा में सफल हो जाएगा हम उसे दीक्षा ले लेंगे। चलो जल्दी परीक्षा में पास करवा लो, किसी गुरु को जल्दी से ले लो, क्योंकि बीता हुआ कल फिर लौट के आता नहीं है, इसलिए। हाँ, तो जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे चेला की पहचान। आओ ऐसा कर डालो। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु नहीं है, कैसे भगवान मिलेंगे? बोले हैं मेरे गुरु। कौन? बोले आप। अरे हमने मंत्र नहीं दिया। बोले दे दो। बोले ठीक है। देवर्षि नारद ने 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते,
वासुदेवा। ये द्वादश अक्षर मंत्र है। जिनके गुरु नहीं है उन्हें ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जिनके यज्ञ पवित्र नहीं है उन्हें ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का उच्चारण जब तक दीक्षा ना हो तब तक अपने बच्चों से इस मंत्र का जाप अवश्य करवाइए। महाराज नारद जी महाराज दीक्षा देकर चले गए, ध्रुव जी महाराज ने हृदय से पूर्ण मन से 6 महीने तक लगातार कठोर तपस्या की। पहले फल खा के रहे, फिर सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ समय श्वास वायु का आहार करके रहे और कुछ दिन बाद वायु का आहार भी छोड़ दिया, श्वास रोक के खड़े हो गए। इतनी कठोर तपस्या किसने किसने, आयु बताओ कितनी है उनकी, हैं 5.5 साल, 5.5 साल के हैं और तपस्या कर कहां रहे, जंगल में। कहां है वो जंगल, सुनो, ततात गच्छ वद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। मथुरा में मधुवन में ध्रुव जी तपस्या कहां करने गए, यमुनायाम यमुना के तट पे मथुरा नगरी मधुवन, आज भी वहां ध्रुव टीला के नाम से जगह विख्यात है। इसका मतलब है, और यहां नारद जी कह रहे हैं सानिध्यम नित्यदा हरे, जहां नित्य हरि निवास करते हैं, कहां वृंदावन में। इसलिए जितने भी पैसे वाले लोग यहां बैठे हो, मैं तो आपको आग्रह करता हूं जीवन के अंतिम समय भोपाल में मत मरना। तो प्रयास ये करो कि हमारे जीवन की अंतिम शाम श्रीधाम वृंदावन में हो जाए। याद रखें धाम नाम लीला स्वरूप, इन चारों में से एक भी अगर अंतिम समय हमारे साथ हो तो जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए वृंदावन में जो मेरो ब्रज बन रहे हो है ना, हम तो वहीं बसने वाले अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, और वहीं बसेंगे, और जिन जिन को बसना हो वो भी तैयारी कर लो, अरा के वहीं बस जाओ और वहीं युगल सर। अब बेटा बहू सब सेटल हो जाए फिर यहां काहे पड़े हो भाई, वहां जहां ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई वहीं प्रयास किया जाए कि हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने तप किया और 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। 6 वर्ष के ध्रुव हुए भगवान सामने खड़े, यहां 70 साल के हो गए, अभी कोई चांस ही नहीं है, नाम ही नहीं निकलता मुंह से। वो 6 साल के ध्रुव है भगवान सामने खड़े, और 70 साल के हैं वो भी। अभी एक चेला आए थे हमारे पास में, कलकत्ता से थे, हमने उनसे पूछा तुम्हारी एज कितनी है, बोले 79। प्रोग्राम क्या है, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बता दिया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य इसलिए भी कम किया हमने तो, कि यही तो माया है, एक कम 80 साल की आयु हो गई और अभी भी अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं। ध्रुव जी महाराज जब 6 साल के हुए तो भगवान सामने खड़े, भगवान ने कहा वरदान मांगो, ध्रुव जी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, कैसे बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि होठ फड़फड़ा रहे थे पर वाणी मूक हो गई थी, मूकम। लेकिन भगवान की कृपा हो तो मूकम करो तिबा चालम पंगु लंगते गिरिम, भगवान कृपा करें तो फिर क्या नहीं हो सकता। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया जिससे उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई,
और ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरणा श्रवण त्वगाधे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैत्रेय जी कहते हैं, हे मुनि, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है विदुर जी, वो क्या नहीं कर सकता। ध्रुव जी महाराज कह रहे, नाथ आप ही मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले हैं, आप ही सभी जीवात्माओं को जागृत किए हुए हैं, संचालित किए हुए हैं, मैं आपको बार बार नमन करता हूं। भगवान ने कहा, कोई वरदान मांग लो, हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। ध्रुव जी महाराज कहते, प्रभु जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक बड़ी इच्छा थी कि मैं आपसे अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद मुझे पता चल गया, राज्य चाहे कितना भी बड़ा ले लो, एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ या ना? अच्छा, कोई व्यक्ति है जो कह दे मैं यहां हम परमानेंट हैं? बोलो, जोर से बोलो। अभी तक हमारे देश के कितने प्रधानमंत्री हो चुके होंगे? हैं? कितने? 14। और तुम्हारे मध्य प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री रह चुके होंगे? 18। हैं? अरे जितने भी भय हो वो कहा मतलब पर हो, जितने भय हो उतना अंदाज लगा लो, क्या आगे और संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अभी नवंबर में इलेक्शन है, तो जो 14 है वो शायद 15 हो जाए। 15 मतलब जितनी बार के भी मुख्यमंत्री होंगे, ये शायद चौथी बार के हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, तो चौथी बार मतलब चार बार गिनना पड़ेगा ना उसे, तो चार बार के मुख्यमंत्री, अगली बार हो सकता है पांचवी बार के मुख्यमंत्री। ये मैं व्यासपीठ से प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का, अब ये तो भविष्य भगवान जाने, में भविष्य वक्ता थोड़ी, लेकिन यहां कोई न परमानेंट, यहां कोई परमानेंट थोड़ी है। पहले मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और 24 में, फिर 29 में, फिर आगे, और ये सत्ता आती जाती। राज्य पहले राजाओं के घरों में ही राजकुमार होते थे, लेकिन उस एक राजकुमार के लिए भी राजा को गद्दी छोड़नी पड़ती थी। ध्रुव जी यही सारा कर रहे हैं, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए जिस राज्य को छोड़ के जाना पड़े। मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों की भक्ति दे दो जो मुझसे कभी ना छूटे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से।